नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएन न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। सिटी थाना कोतवाली को मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ने में मिली कामयाबी। इस कामयाबी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। शहरी नहीं बल्कि जिले भर में गाड़ी चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस इस तरह के चोरों को पकड़ना वाकई जरूरी हो गया था। गाड़ी चोरी की घटनाओं को लेकर आमजन में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था। इन चोरी करने वालों को गैंग शिवपुरी का बताया जा रहा है, जिसमें 3 चोर और 4 खरीदार पकड़े गए हैं। इसके साथ ही इन लोगों से तकरीबन 23 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। पुलिस अभी इन लोगों से और पूछताछ कर रही है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि और भी चोरियों का खुलासा हो सकेगा। इसके बाद पुलिस ने कुछ चाबी बनाने वालों को भी चिन्हित किया है, जिन पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। ऊपर ऊपर देखो यार, कहाँ चुप रहे हो भैया? ऊपर ऊपर देख, सब लोग दिखाओ अपनी, चलो। ये मुख्य है इसमें। कुछ दिन पूर्व जो है कोतवाली पुलिस को अच्छी सफलता मिली है, जिसमें एक शिवपुरी का गैंग पकड़ा गया है और इसमें 3 मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए हैं। ये इंदौर थाने के रहने वाले हैं और इनसे करीब 4 खरीदार पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इन 7 लोगों से करीब 23 मोटरसाइकिल पकड़ी गई हैं। सभी शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं। अभी इस गैंग से और पूछताछ की जा रही है और आगे भी हमें उम्मीद है कि इसमें और चोर और मोटरसाइकिल पकड़े। गैंग दूसरे राज्यों में भी वारदात करती थी? निश्चित ही जो है, ये काफ़ी बड़े इलाके में इनका ऑपरेशन था और आगे पूछताछ मैं समझता हूँ हमें अन्य जगह की मोटरसाइकिलें मिलेंगी। फिलहाल अशोकनगर जिले की भी मोटरसाइकिल मिली है और पूछताछ में इसमें बाकी जानकारी जुटाई है। सर, हमने जो CCTV लगाए हैं पुलिस ने अभी, उससे कितना लाभ मिला है इनके गैंग को पकड़ने में? CCTV जो सिस्टम हमारे अभी शहर में लगा है, इसके तहत करीब 120 कैमरे लगे हैं। उसमें भी कई वारदातों में इनके जो है चेहरे सामने आए हैं, जिसका इस्तेमाल जो है इनको सजा दिलाने में किया गया। सर, इसमें नाबालिग भी हैं कि गाड़ी चोर इस तरीके? नहीं, इसमें नाबालिग कोई नहीं, सभी वैसे। तो होंडा की गाड़ी सबसे ज़्यादा जा रही है? होंडा की गाड़ी को ज़्यादा टारगेट हो रहा है और कुछ इसमें लॉक की भी खामी है और जो पुरानी गाड़ी रहती हैं उनकी चाबी भी बन जाती है, मास्टर की बन जाती है। तो सभी इन कारणों से जो है होंडा की गाड़ी को ज़्यादा नुकसान है। सर, ये टीम को कुछ पुरस्कृत करेंगे? टीम इसमें TI कोतवाली और सब इंस्पेक्टर राम शर्मा, सब इंस्पेक्टर गोविंद यादव और अन्य लोगों ने इसमें सराहनीय कार्य किया, उन सभी को पुरस्कृत किया। सर, इसमें चाबी बनाने वालों पर कोई कार्रवाई की जाती है? चाबी बनाने वाले भी कुछ इसमें चिन्हित हुए हैं और शीघ्र ही हम उनको भी गिरफ्तार। खरीदार कोई? खरीदार इसमें हमने 4 गिरफ्तार किए और जो चोर हैं 3 और कुछ खरीदार, इन 7 लोगों से कुल मिलाकर 23 लोग पसंद। यही बना रखा था। पुलिस ने शुरू किया बाल मित्र थाना। इस तरह की पहल के बाद पुलिस को नाबालिग अपराधियों एवं नाबालिग फरियादियों से बात करने में सहूलियत रहेगी। पुलिस बाल मित्र थाना स्थापित करना इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि कई अपराध ऐसे होते हैं जिनमें या तो अपराधी या फिर फरियादी नाबालिग होता है और वह थानों में आकर कुछ भी बताने में सक्षम नहीं होते। वहीं एक पुलिस का डर भी उनके दिमाग में हावी रहता है। इसी थाने की शुरुआत के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नाबालिग बच्चों से आसानी से बात की जा सकेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया इस तरह के थानों में काउंसलर की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे बच्चों के नाजुक दिमाग पर कोई भी प्रभावी असर न पड़े और वह खुलकर अपनी बात पुलिस के सामने रख सकें, जिसके चलते अपराधों में भी नियंत्रण किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कोतवाली में एक बाल मित्र कक्ष की स्थापना की गई है। वहाँ पर ऐसा वातावरण बनाया गया जहाँ पे जो पीड़ित बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बालिकाएँ हैं, वहाँ पर आए तो अपने जो है जब अपनी व्यथा सुनाए आ गए घटना मकान खुल के बता सके, वातावरण को सहूलियत दें, इस उद्देश्य से जो है इस कक्ष की स्थापना की गई है। और मैं समझता हूँ भविष्य में जो है इस तरह की घटनाएँ होती हैं जहाँ पर हमारे पीड़ित जो है बच्चे रहते हैं खुल के अपनी बात रख सकेंगे और इसमें पुलिस को आगे कार्रवाई करने में। सर, ट्रेंड काउंसलर्स भी रखे जाएंगे क्या कुछ लग से? चाइल्ड लाइन जो हमारे जिले में संचालित है उसमें काउंसलर्स भी हैं, SGP जो है संचालित है उसमें भी काउंसलर्स हैं, तो सभी के समन्वय से जो है। इन दिनों चोरों के हौसले बड़े ही बुलंद हैं, वो आसानी से चोरी करके भाग जाते हैं और पुलिस तफ्तीश ही करती रह जाती है। ऐसा एक मामला सामने आया है मकसूदनगढ़ में, जहां चोरों ने दीवार में छेद करके घर में रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया।
बता दें कि मकसूदनगढ़ के खेरखेड़ी गांव में दीवार में छेद बनाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर वालों की माने तो घर में सोना चांदी सहित 50,000 रुपये नकदी सहित करीब 2 से 2.5 लाख रुपये अनुमानित घर में रखा था, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता लगते ही डायल 100 को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। क्या दूरी कितनी होगी यहाँ की, लगभग कितनी दूरी होगी घर से? डेढ़ किलोमीटर घर से यहाँ तक? 2.5 किलोमीटर। कछु मत ले जाओ, बाकी बैठ रहे हो बमौरी विधानसभा क्षेत्र से महिलाएं पहुंची पानी की गुहार लगाने पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल के पास। बमौरी विधानसभा क्षेत्र से ग्राम पंचायत इकलेरा से करीब 300 एकड़ा से अधिक महिलाएं आज पूर्व मंत्री कार्यालय पर पहुंची। इन महिलाओं की मांग थी कि उनके गांव में पानी की व्यवस्था की जाए, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और उसे सुचारू रूप दिया जाए। वहीं महिलाओं ने बताया कि पानी के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ता है और दूर दराज तक पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है। साथ ही महिलाओं ने बताया कि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी समस्याओं का निराकरण करने व सुनवाई करने नहीं पहुँचा। हैंडपम्प चाहिए, 7 साल चाहिए, कम पैसे मिलते हैं। तो पानी की क्या स्थिति बन रही है अभी वहाँ पर गांव में? कुछ नहीं बन रही। कोई आया क्या पानी के लिए पहले वहाँ पर व्यवस्था करने? नहीं आया। कितने दिन से परेशान हो आप लोग? साल हो गया, 1 साल हो गया पानी की ज्यादा व्यवस्था। महिलाओं की शिकायत सुनकर पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने आनन फानन में अधिकारियों को फोन लगाना शुरू कर दिया, जिसके चलते अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के भीतर इनकी पानी की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। इनमें क्या है, इनमें जो भी लोग बैठे हैं करीब 300-400 लोग यहाँ पे, ये सब ग्राम पंचायत तगनेरा के हैं जो बमौरी विधानसभा के अंतर्गत आती है। इनकी कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत थी। मैंने विभाग के अभी छारी साहब से बात करी है, जो कार्यपालन यंत्री है, इसके साथ ही जो सब इंजीनियर हैं श्री कुशवाजी अभी कुछ साइट पे आए और इनकी पानी की जो भी समस्या है उसका 2 या 3 दिन में निराकरण हो जाएगा। कितने गांव के लोग हैं भाई साहब? केवल एक पंचायत तगनेरा के हैं, मतलब 2 या 3 भाई। तगनेरा पंचायत ऐसी है, 8 गांव लगते हैं उसके अंदर, तो वही लगी लगी गाँव है पूरे, उसमें 6 पोले आते हैं। और इसके अलावा मौसम में आ रहे अचानक बदलाव के चलते मौसम विभाग ने 1-2 दिन के अंदर पानी गिर जाने की संभावना जताई है।
जिसके चलते जिला प्रशासन जल्द ही बीज निगम के खेत में रखा हुआ चना वेयर हाउस में पहुंचाना चाहता है। जिसके चलते आज डिप्टी कलेक्टर पहुंचे बीज निगम, जहां उन्होंने बताया कि किसानों की फसलों को खरीदने में तो कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, जिनको सुचारू रूप से पटरी पर लाया जा रहा है। इसी के चलते जो चना खरीद लिया गया है उसे भी जल्द से जल्द वेयर हाउस में पहुँचाना जरूरी है, क्योंकि बारिश के आते ही सारा चना खराब हो सकता है, इसलिए आज ट्रकों से इनको वेयर हाउस पहुँचाया जा रहा है। 10,000 क्विंटल रखा हुआ है लग रहे हैं। बोलने की जगह नहीं। पानी को क्या आप जैसे जैसे लई हो रही है उसी तरह से उठाव भी करना जरूरी है। यहाँ फार्म हाउस का खेत है, पानी यदि गिर गया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं होगी, इसलिए हम ट्रक यहाँ लगवा के पहले माल यहाँ का उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर। शराब के नशे में शराबी को इतना भी पता नहीं होता कि वह क्या करने जा रहा है और इसका परिणाम क्या होगा। इसके साथ ही अक्सर ये देखने में भी आया है कि शराब के नशे में शराबी पति अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। वहीं आज इससे उलट मामला सामने आया, जब एक शराबी पति ने काफी देर तक बस में उत्पात मचाया। शराबी पति अपनी पत्नी और बच्चों को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था और बार बार जिद कर रहा था कि उसे बस से उतारो। वहीं बस से उतरने के बाद एक डंडे से अपनी पत्नी को मारने की भी कोशिश की, जिसको बस में बैठे यात्रियों ने पूरा नहीं होने दिया। इसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने बमुश्किल उस शराबी से पीछा छुड़ाया। इस गफलत में बस में बैठे यात्रियों को काफी देर परेशान होना पड़ा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के निःशुल्क इलाज किए जा रहे हैं, जिसमें चिन्हित बच्चों को आज कलेक्टर वी दत्ता ने प्रमाण पत्र देकर इलाज के लिए भेजा। इन बच्चों का इलाज प्राइवेट संस्थाओं में किया जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए युवक पहुंचा जनसुनवाई में। युवक ने बताया कि वह ग्वालियर का निवासी है और उसकी जमीन उसने विंड पावर लिमिटेड को बेची थी, जिसकी रजिस्ट्री उक्त कंपनी ने अंग्रेजी भाषा में कराई थी, जिस पर आवेदक को दिक्कत थी। वहीं आवेदक ने बताया कि उसकी रजिस्ट्री कराने के बाद आज दिनांक तक उसको भुगतान नहीं किया गया, जबकि भुगतान में चेक और RGTS के माध्यम से जो भुगतान करना था उसका विवरण रजिस्ट्री में दर्ज किया गया है, इसके बाद भी उसे भुगतान नहीं मिला। वहीं युवक परेशान होता हुआ घूम रहा है। कई बार जिला अधिकारी एवं अन्य उच्च अधिकारी को भी इस मामले से अवगत कराने के बाद भी युवक को पैसा नहीं मिला। मेरी समस्या ये है, मैंने सुजलोन बिल्ड पार्क लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्री कराई है, उसने मेरा पूर्ण भुगतान नहीं किया, जिसमें रजिस्ट्री में चेक खुले हुए हैं, तो चेक मैंने आवेदन द्वारा निकाल दिए गए हैं। मैंने तहसीलदार को भी अवगत करा दिया, कलेक्टर साहब को भी पूर्ण मैं दे चुका हूँ और SP साहब को भी मैंने अवगत करा दिया सारे, और LCM हेल्पलाइन पे भी शिकायत डाल चुका हूँ। आज दिनांक तक मेरी कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं परेशान हूँ, बेघर हूँ और नहीं करती है मेरी सुनवाई। मैं जेर काके किसान का बेटा हूँ और मैं हाल मर जाऊँगा, जेर काके मर जाऊँगा।
यदि मेरा पूर्ण भुगतान नहीं किया जाएगा तो मैं जेल का आगे नहीं मर जाऊंगा। इसका प्रशासन एंड कंपनी जो भी है उसका जिम्मेदार। कितना भुगतान है आपका? मेरा करीबन कम से कम पूर्ण रजिस्ट्रियों के हिसाब से होता है 25-30 लाख रुपए के समथिंग होता है। ठीक है। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में। कुमराज तहसील के कन्हैया खुर्द से आए ग्रामीणों ने बताया कि उनके ग्राम में पानी की बहुत समस्या है। पीने का पानी लाने के लिए 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस तरह से जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। अपनी समस्या के जल्द निराकरण के लिए वह ग्रामीण आज जन सुनवाई में पहुंचे। समस्या पानी की कॉलोनी की, कुटिया भी नहीं है हमारे 25 घर का मोहल्ला है साहब, जाटम समाज का, नहीं तो पानी ने कुटिया एक भी नहीं आई। 4 साल से पानी की परेशानी है। हम सरपंच लोग से बोलता है, एक होल लगवाई चाहे भी भूल गया, बिल्कुल पानी की समस्या है। पानी पीने का कुआ से पानी लाता है 1 किलोमीटर दूर से, दिन भर ये और तो हमारी पानी ढोती है और इसके बाद में कोई काम नहीं होता है इनसे। जो 1 किलोमीटर दूर से पानी लाती है गांव का कुआं पे से लाती है, हेडपम्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, गांव के खेतों में से पानी लाती है। अभी दो दिन पाँच गुआई कर देगा तो हमें कोई पानी नहीं भरने देगा गाँव में। 1 किलोमीटर से पानी लाता है, पानी की व्यवस्था क्या नहीं है और पानी डोडो डुकरिया प्यासा मरती है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। 4 साल से पानी नहीं मिल रहा, सरपंच भी नहीं सुना और सेक्रेटरी भी नहीं सुना, मर गया पानी को और मर गया बाबूजी हमारी धन मर गयो और 8 दिन में करे जा 4 दिन में भेज दो। गांव में कुटी की मांग को लेकर चांडेल गांव के निवासी आज जन सुनवाई में पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, ना तो उनके गांव में कुटी है और ना ही गैस कनेक्शन मिले हैं। गांव में कितने लोग हैं? तो है। कितनों की कुटी नहीं आई? 70-80 का भी है। तो कोई भी सुविधा नहीं मिली क्या आप लोग? कोई नहीं मिली, ना लेटर ना कुटी। शौचालय भी नहीं बने? नहीं बने, कचुन भी बन गए यहाँ, कचुन नहीं है। और सिलेंडर मिलेंडर मिले क्या? नहीं मिले। चूल्हा मूल्हा भी नहीं मिले? नहीं मिले। मतलब कितने घरों को नहीं मिला ये सब कुछ? कम से कम 30 घर इतने ही मिले। अरे 40-50 40-50 घरों को। उमरिया जिले से आए मजदूर अपनी फरियाद लेकर। इन मजदूरों का आरोप है कि करीब 52 लोगों को वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदने के लिए बुलाया गया था, साथ ही इनके काम के करीब 5 लाख रुपए नहीं दिए गए। कई दिनों तक ये लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, अब अधिकारी इनकी सुनते नहीं। इन सबसे तंग आकर ये मजदूर आज जन सुनवाई में पहुंचे। अब देखने लायक होगा कि इनकी परेशानी का अंत कब तक होगा। जनवरी दिसंबर में हमने काम कराया। का काम? वृक्षारोपण के गड्ढे खोदे थे। कहाँ पे? ये बमोरी रेंज में। हाँ। 70,000 दो प्लांटेशन बने थे, 1 30 का बना था, 1 40 का बना था। तो सर हमें खर्चे वर्चे दिए जाते थे। कितने रुपए के हिसाब से गड्ढा खोदा था? 13.40 रुपए के। अच्छा। हाँ, फिर हो गया सर, वो बोले कि जाओ, हो गया पेमेंट खाते में डाल दूंगा। आज 5 महीने हो गए सर, कोई खाते में हमारा पेमेंट नहीं आया। करीबन कितना पेमेंट है? करीबन है 5 लाख के आसपास है सर। आप कितने लोगों ने काम किया था? 52 लोगों ने हम काम किया सर। अच्छा, एक ही गांव के थे? एक ही गांव के। तो मतलब करीबन आपका 5 लाख रुपया अभी तक डाला नहीं है? अभी तक नहीं डाला सर। इसकी और भी शिकायत करी आपने, उनसे बात करी? जी सर, हम अपर कलेक्टर के पास भी बोल चुके हैं, आज जन सुनवाई में भी बोले हैं, DO साहब से भी बोले हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? अभी वो बस बोल रहे हैं कि हो गया, हो जाए काम। पर्ची दे देते थे हमको, प्राप्ति भी नहीं देते थे। और DO साहब भी बोले काम हो जाएगा, लेकिन कब होगा सर? हमारे भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, आज 4 दिन हो गए सर, शनिवार से हम परेशान हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से। और रेंजर साहब बोलते हैं जो करना हो कर लो, पैसा नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दूंगा? कहना काम किया है। हम बोलते हैं काम किए हैं, क्यों नहीं देंगे? बोल रहे हैं कि जिससे लेना हो ले लो, जिसके पास जाना हो चले जाओ। मातखेड़ा के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए पहुंचे जन सुनवाई में। ग्रामीणों का आरोप है कि इनके गांव में ना तो खड़ंजे हैं, ना ही शौचालय और ना ही पक्के मकान। सरपंच भी कोई काम नहीं करता। इन ग्रामीणों की सुनवाई कब तक होगी, ये तो समय ही बताएगा।
ये समस्या है, गांव में लेटरिन नहीं, बाथरूम नहीं, कोठरी नहीं, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं, गांव में खरंजा नहीं, तो पूरे गांव में कहीं पे भी लेटरिन कहीं से कहीं तक नहीं। अभी तक कौन से गांव गया है? ग्राम माड़ा केड़ा ग्राम पंचायत मोहनपुर। हाँ, तो जो पक्के मकान वगैरह कितने हैं? तो कोई ने अभी तक सोचा नहीं, कुछ नहीं, एक भी सोचा नहीं। इसकी शिकायत आपने सरपंच से वगैरह किसी से की? किसी उन्हें अभी तक हमें जानकारी नहीं दी। सरपंच कई बार जानकारी दी, कुछ नहीं। चंदेलपुर से ग्रामीण महिला जन सुनवाई में पहुंची। महिलाओं ने बताया कि पानी की किल्लत उनके गांव में कई वर्षों से है, जिसकी सुनवाई कोई भी नहीं करता। वहीं स्कूल के अभाव में बच्चे भी शिक्षा के बिना रह गए हैं। बताएं क्या समस्या है आपके गांव में? सब पानी की व्यवस्था करो, हमारे ट्यूबवेल लगाओ। और क्या समस्या है? हमारे बच्चे बच्ची प्यासा मर रहे हैं, मवेशी प्यासा मर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करे सर। कुछ स्कूल वगैरह का? स्कूल नहीं है सर, हमारा पूरा बच्चा बच्ची अनपढ़ रही है। नेशनल फर्टिलाइजर के कर्मियों को बिना कारण निकाल दिए जाने को लेकर एक जनप्रतिनिधि मंडल पहुंचा जन सुनवाई में। बताया जा रहा है कि करीब 97 कर्मचारियों को बिना किसी कारण के अचानक निकाल दिया गया, जिसकी बहाली के लिए ये लोग प्रयासरत हैं। यदि 15 दिनों के भीतर इन कर्मचारियों को वापस नौकरी पर नहीं बुलाया गया तो ये आंदोलन समिति प्रदर्शन करेगी। नेशनल फर्टिलाइजर जो अपना विजयपुर में है, वहाँ पर 97 कर्मचारियों को विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट एलिगेशन, विदाउट एनी लेटर के उनको नौकरी से बाहर कर दिया। इस संबंध में 3 महीने से आंदोलन चल रहा था। आज कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर इन लोगों को ड्यूटी पे लें, अदरवाइज जो संघर्ष समिति बनी है वो कलेक्ट्रेट में आके धरना देगी और आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी हकीकत जिसको जानने के बाद आप कुछ देर के लिए सकते में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना ना हो या पढ़ा ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग सकते में आ जाएंगे। गुना जिले में किस तरह से अवैध शराब का माफिया सक्रिय है, इसकी बानगी समय समय पर देखने को मिल जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई। हमारे सूत्र बताते हैं कि ऐसा नहीं कि पुलिस के आला अधिकारियों या कर्मचारियों को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन ना जाने क्यों पुलिस इन पर शिकंजा कसने में कामयाब नहीं होती। इससे पहले भी हमने ग्राम जागर की खबर बताई थी, जिसमें एक महिला स्मैक बेचती हुई साफ नजर आ रही थी, लेकिन इस खबर को दिखाने के महीनों बाद भी ना तो उस महिला पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही पुलिस ने इस ओर कोई ध्यान देने की कोशिश की गई। बार बार पूछने पर केवल यह जवाब मिला कि कार्रवाई जल्द होगी और महिला को गिरफ्तार भी किया जाएगा, लेकिन तकरीबन 2 माह बीत जाने के बाद भी उक्त महिला पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शराब बनाने का देसी कारखाना। ग्राम बेरखेड़ी से कुछ सच की दूरी पर अवैध रूप से बन रही है शराब, जिसको आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। हमारा कैमरा को देखकर कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे कैमरे में इस तरह की अवैध गतिविधियां आसानी से कैद हो जाती हैं, तो क्या पुलिस का मुखबिर तंत्र इतना कमज़ोर है कि वह इन्हें देख नहीं पाता, या यूँ कहें कि देखना ही नहीं चाहता। अब देखने लायक होगा कि हमारी इस खबर के बाद पुलिस इन अवैध शराब की फैक्ट्रियों पर कैसे लगाम लगाती है, क्योंकि ये इकलौती जगह नहीं जहां पर शराब बन रही है। क्षेत्र में कई ऐसी और भी फैक्ट्रियां हैं जहां पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। झागर से हमारे सहयोगी जलम किरार की रिपोर्ट। कितने साल? तो ये आधा ही बना के गए थे क्या? और इधर आइए, उस पे आइए। उस वाले पे और जाइए। We'll be right back.
डीजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।